गुरु पूर्णिमा की आप सभी को विशेष शुभकामनाएं आज का ये विशेष कार्यक्रम मैं अपने गुरु अपने पिता परम पूज्य श्री राधाकृष्ण कृष्ण जी को समर्पित करता हूँ जिनके मार्गदर्शन से मैं ज्योतिष के गूढ़ रहस्य आप तक पहुँचा पा रहा हूँ नमस्कार मैं कमल श्रीमाली देश विदेश में बैठे हुए मेरे सभी दर्शकों का ज्योतिष के जिज्ञासुजनों का स्वागत अभिनंदन करता हूं मेरे इस चैनल खेल ग्रहों का मैं गुरु पूर्णिमा पर मैं आपको गुरु का सानिध्य क्या होता है योग्य गुरु के मिल जाने से व्यक्ति का कैसे काया पलट हो जाता है यह बताना चाहता हूं समर्थ का स्नेह समर्थन मिलने पर असमर्थ को लाभ लाभ रहता है लाभ लाभ मिलता है अब टिटरी को समुद्र से अंडे वापस लौटाने में यदि अगस्त मुनि का सहयोग नहीं मिलता तो जन्म भर समुद्र से चौंच चौंच भर करके बालू डालते रहने पर भी वह अपने कार्य में सफल नहीं हो पाती चंदन वृक्ष के निकट उगे हुए झाड़ झंखाड़ भी सुगंधित हो जाते हैं निजी प्रयत्न से शायद ही कोई उस प्रकार के लाभ से लाभान्वित हो सकता है उसको उतना फायदा मिल सकता है स्वाति नक्षत्र में वर्षा की बूंदों से सीप में मोती तो केले में कपूर बांस में वंशलोचन उत्पन्न हो जाने की उपलब्धियां हाथ लगती है वैसा ही संयोग न मिले तो बेचारे यथा स्थिति में ही पड़े रहते हैं बेल जमीन पर फैल जाती है क्योंकि उसकी कमर पतली होती है किंतु यदि उसे किसी पेड़ से लिपट जाने का अवसर मिल जाए तो वो उतनी ऊंची उठ जाती है जितना कि पेड़ ऊंचा होता है बच्चे के हाथ में पतंग की डोर थमा देने पर दो पांच रुपए की पतंग भी आकाश में हवा से बातें करने लगती है बांस की पतली सी नली जब किसी वादक के हाथ लग जाती है तो उसका सुंदर स्वर हजारों का मन मोह लेता है अन्यथा पतले बांस का क्या उपयोग उसकी निजी हैसियत कूड़ा ढोने की टोकरी बनने जितनी ही होती है लकड़ी के तख्ते जब बड़े के हाथों नाव बनते हैं और माझी द्वारा चलाए जाते हैं तो वे नदी पर तैरते हुए अपनी पीठ पर बिठा करके सैकड़ों को आए दिन इधर से उधर पार लगाते हैं फूल पौधों पर लगते हैं सूखने पर मुरझा करके जमीन पर गिर जाते हैं किंतु यदि उन्हें माली का संयोग मिल जाए तो गुलदस्ते के रूप में सज जाते हैं या भगवान के गले का हार बन जाते हैं संगति की महिमा ऐसी ही है साथ रहने का चमत्कार जितना समझा जा सके उतना ही कम है कोयले की दुकान पर बैठने से कपड़े काले होते हैं काजल की कोटरी में घुसने पर कहीं ना कहीं दाग लगता ही है किंतु परफ्यूम बेचने वाले की दुकान पर जाकर के बैठने से नाक को भी सुगंध मिलती है और कपड़ों पर भी वैसी ही गंध वैसी ही सुगंध आ जाती है शराब का लीगल शराब का लेबल लगी शीशी में गंगाजल भरा होने पर भी उसे शराब ही समझा जाता है शराबी माना जाता है किंतु गंगाजल के निमित्त बनने वाली विशेष प्रकार की शीसी में शराब भरी होने पर भी लोगों की दृष्टि में गंगा जल ही है गंगा जल ही समझी जाती है शराब की दुकान पर बैठने वाले शराबी माने जाते हैं और वेश्या के घर से निकला हुआ कपड़ा सीने वाला दर्जी भी व्यभिचारी अर्थात गलत समझा जाता है किंतु मंदिर में बैठे हुए व्यक्ति भक्त माने जाते हैं और लाइब्रेरी में बैठने वाला व्यक्ति विद्वान या पढ़ाकू समझा जाता है नाले का पानी जब नदी में मिल जाता है तो उसकी गंदगी समाप्त हो जाती है और पवित्र जल में उसकी गिनती होने लगती है उसकी गणना होने लगती है हिंसक पशुओं के क्षेत्र में घूमने वालों को मरने का भय ही रहता है लेकिन भीड़ पालने वाले को भीड़ पालने वाले को उसका दूध उसके बच्चे और ऊन का लाभ मिलता है यस सर यह संपर्क का ही लाभ है वरना संपर्क का लाभ और संपर्क का भय है भगवान राम की सहायक होकर गिलरी अजर अमर हो गई केवट सबरी और अहिल्या की शिला का उद्धार हो गया नल नील के पत्थर तैरने लगे और हनुमान जी पर्वत उखाड़ने समुद्र लांगने में समर्थ हो गए यह संयोगवश मिला होता तो वे पिछली गई गुजरी स्थिति में ही बने रहते सुग्रीव को अपना खोया हुआ राज्य कैसे वापस मिलता और विभीषण को सिंगासन बैठने का मौका कहां मिलता मेनका के संपर्क में विश्वामित्र बदनाम हो गए लेकिन शकुंतला ऋषि के आश्रम में पलने पर से चक्रवर्ती भरत की माता बनी सीता रावण की अशोक वाटिका में रहने भर से बदनाम हो गई अग्नि परीक्षा देनी पड़ी फिर भी धोबी द्वारा लांछित की गई और इतने पर भी घर छोड़ने को विवश की गई किंतु जब वे वाल्मीकि के आश्रम में रही तो न केवल वे स्वयं तपस्विनी बनी वरन अपने दोनों पुत्रों को भी इतना समर्थ बनाने में समर्थ हो गई जितना अयोध्या में रह करके शायद ही बन पाते पांडव अपने दुर्गुणों से राजपाट और द्रौपदी जुए में हार गए थे वनवास में मारे मारे फिर रहे थे किंतु कृष्ण का संयोग मिला तो महाभारत जीत सके और चक्रवर्ती शासक बन सके कालिदास के तोता मैना संस्कृत में भाषण करते थे संस्कृत में बातें करते थे नारद के श्रणिक से सानिध्य परामर्श से ध्रुव प्रहलाद वाल्मीकि पार्वती सावित्री आदि का स्तर कितना बदल गया अंबपाली अंगुलीमाल अशोक आदि को बुद्ध की समीपता से समीपता ने कायाकल्प जैसी स्थिति में बदल दिया दत्तात्रेय का कुत्ता और शिव जी का बैल पशु होते हुए भी देवताओं की श्रेणी में गिने गए निर्धन और अशिक्षित लड़की किसी संपन्न के साथ में विवाह होने पर दूसरे ही दिन लाखों करोड़ों की मालिकी बन जाती है ऋषि पत्नियां उतनी तपस्वी और विद्वान नहीं थी फिर भी वे अपने पतियों की गरिमा के अनुरूप जगत प्रसिद्ध और परम सम्मान की भागीदार बनी स्वामी समर्थ के बिना शिवाजी क्या रह जाते चाणक्य से अलग रहकर के चंद्रगुप्त की क्या हैसियत रहती परमहंस के बिना विवेकानंद और विरजानंद के बिना दयानंद वह नहीं बन पाते जो वे बन गए गांधी से अलग विनोबाजी की कितनी गरिमा रह जाती पारस छूकर के लोहे को सोना बन जाने की बात प्रसिद्ध है अमृत पीकर के प्राणी अजर अमर हो जाते हैं कामधेनु का दूध पीने वाले कभी वृद्ध नहीं होते कल्प वृक्ष की छाए में बैठने वाले की सभी कामनाएं पूर्ण होती है संगति की महिमा अपार है यदि आत्मा को परमात्मा का सानिध्य मिलता है और वह उसी में समर्पित हो जाता है पानी जब दूध में मिल जाता है तो दोनों एक ही भाव बिकते हैं मां के संपर्क में आते ही शूद्रता हटती है अर्थात कमियां हटती है और महानता की गरिमा सिर पर आविराजती है राजा के अर्दली की भी अपनी शान और इज्जत होती है इसमें व्यक्तिगत प्रभाव कम और महानता के साथ में जुड़ जाने की महिमा अधिक है पृथ्वी को सूर्य का संतुलित अनुदान मिला और वह इतनी सुंदर संपन्न बन गई जितनी कि दूसरे ग्रह मंडल में किसी की भी इतनी स्थिति इतनी वरिष्ठता इतनी अच्छी स्थिति नहीं दिखती चंद्रमा दूर होते हुए भी समुद्र में ज्वार भाटे उठाता है अंधेरी रात को प्रकाशवान बनाता है यह मानता की गरिमा है जो अपने संपर्क में आने वाले को अनायासी प्रभावित करती रहती है गुरु की महिमा केवल शिष्य ही समझ सकता है शिष्य जानता है कि मेरे गुरुदेव सर्वज्ञ हैं वे मेरे चराचर जगत के संपूर्ण रहस्यों के एकमात्र ज्ञाता हैं वे सर्वशक्तिमान हैं बड़े बड़े देवता भी उनकी शक्ति से शक्तिमान होकर के अपना अपना काम काम करते रहें काम कर रहे हैं वे कर्म वे परम कृपालु है शिष्य गुरु का उत्तराधिकारी अधिकारी है अर्थात गुरु का ज्ञान ही शिष्य के रूप में अभिव्यक्त हुआ है ज्ञान की दृष्टि से परमात्मा गुरु और शिष्य एक है इस एकत्व के बोध में शिष्य की पूर्णता है गुरु वर्णन करने का तात्पर्य उस व्यक्ति की आत्मा के साथ में अपनी आत्मा को जोड़ देना है जिस प्रकार हिमालय से निकली नदी समुद्र को मिलने के लिए मचलती है राह के कांटों पत्थरों शिलाओं से टकरा कर भी बिना रुके एक एकदम निर्बाध गति अविरल गति से बढ़ती रहती है वही लगन यदि शिष्य में हो अपने गुरु से मिलने की तभी शिष्य धर्म की सार्थकता है मनुष्य का मस्तिष्क एक बगीचा है इसमें तरह तरह के मनोभाव विचार इच्छा वासना रूपी वृक्ष है इसमें से कितने ही अनावश्यक है यूजलेस है जिस तरह बगीचे में कितने ही पौधे झाड़ झंकाड़ अपने आप उगाते हैं वे बड़े तो बगीचे को नष्ट कर, कर देते हैं खराब कर देते हैं मालिक का काम ही है कि वह उन्हें उखाड़ फेंके और तो तरह तरह के सुंदर उपयोगी पौधों को रोप रोप करके बगीचे की शोभा बढ़ाए यही कर्तव्य गुरु का भी है वे भी इसी तरह अपनी बुद्धिमत्ता दूरदर्शिता और चतुरता से शिष्य की शिष्यता बढ़ाते हैं उनकी क्वालिटी बढ़ाते हैं बिना गुरु कृपा के विषयों का त्याग दुर्लभ है तत्व दर्शन दुर्लभ है गुरु की ज्योति है जो आपके मार्ग को सहज बनाती है अपने अनुभवों से गुरु की कृपा से संसार के समस्त मार्ग को सहज बनाते हैं अपने अनुभवों से गुरु की कृपा से संसार के समस्त सुख और स्वर की संपदा प्राप्त हो सकती है जो कि योगियों के लिए भी दुर्लभ है आचार्य के बिना पराशक्ति स्वरूप ब्रह्म विद्या भी प्राप्त नहीं हो सकती है सुखदेव ऋषि को बिना गुरु के ज्ञान के उपदेश की प्राप्ति स्वतः हो गई थी आत्मज्ञान हो गया था उनकी वासनाएं स्वतः शांत हो गई थी परंतु वह ज्ञान दृढ़ न होने के कारण उनके मन को शांति नहीं हुई उन्हें अपने ज्ञान पर विश्वास नहीं हुआ इसलिए अपने पिता व्यास जी के आदेश से उन्हें जनक के पास ज्ञान ग्रहण करने जाना पड़ा धर्म का उपदेश देकर के तम का विनाश करके ज्ञान रूपी से प्रकाशित हो देव गंधर्व से जो स्तुति हो उन्हीं साक्षात देव की संज्ञा गुरु को दी है इस संसार में समस्त प्रकार के दुखों का पल तभी तक देवदारियों को घेरे रहता है जब तक उन्हें भरमाता रहता है तब तक गुरु से मिलन नहीं होता कबीर ने कहा है गुरु कुमार शिष्य कुंभ है घड़ी काटे खोट भीतरी भीती सहज करी बाहरी बाहरी चोट अगर तुम्हें प्रहार सहन करने की क्षमता है तो तुम निश्चय ही दीपक अथवा कलश बन जाओगे अन्यथा मिट्टी के लौंदे हो और वही रहकर के अंत में मिट्टी में ही मिल जाओगे गुरु के जीवन का कर्तव्य लक्ष्य और आकांक्षा सब कुछ शिष्यों के लिए ही समर्पित होता है और सच तो ये है गुरु को अपने शिष्यों के बीच में बैठकर ही वास्तविक आनंद आता है सभी महान पुरुष चाहे वे तुलसीदास हो सूरदास जी हो महात्मा बुद्ध हो अथवा महावीर हो सभी ने कठिनाइयाँ झेली ठोकरें खाई उन्हीं ठोकरों ने उन्हें दृढ़ मजबूत बनाया वे भी हमारी तरह ही सामान्य मनुष्य थे आत्मविश्वास ने गुरु के प्रति निष्ठा ने उन्हें मजबूत बनाया आप में और उनमें कोई अंतर नहीं है अगर आप भी अपने इन गुणों को आप भी अपने में इन गुणों को समाहित करो तो आप भी महापुरुष बन सकते हो आज रामदास जी से ज्यादा हम कबीर को जानते हैं गुरु द्रोण से पहले हम अर्जुन को जानते हैं रामकृष्ण परमहंस से पहले हम विवेकानंद जी को जानते हैं गुरु अगस्त से पहले हम सिकंदर को जानते हैं चाणक्य से पहले हम चंद्रगुप्त का नाम लेते हैं ये महान गुरु हुए हैं गुरु स्वयं चाहता है कि अपना सर्वस्व अपना ज्ञान अपने शिष्यों को दे दें गुरु की सबसे बड़ी विशेषता है वह उन्हें समर्थ योग्य अद्वितीय बनाए जिससे शिष्य जीवन में सफलता प्राप्त करे कोई गुरु नहीं चाहता कि मेरा ही नाम हो मेरी ही दुनिया में पूजा हो मैं ही सबसे सर्वश्रेष्ठ कहलाऊं यह कोई नहीं चाहता समर्पण हाथ जोड़ने में नहीं है न ही आरती करने में न ही समर्पण का तात्पर्य है अपने ईर्ष्या द्वेष वासना माया मोह से अपने को हटा करके मात्र उस कार्य को करें जो गुरु आज्ञा है जिस तरह एकलव्य ने गुरु आदेश पर अपना अंगूठा काट कर दे दिया जिस तरह उपमन्यु ने गुरु धौम्य के आदेश अनुसार भूखा रहकर के गुरु वचन निभाया जिस तरह कृष्ण और सुधापा ने भीगते वन में रात गुजारी मात्र लकड़ी लाने के लिए अतः साधना पद में गुरु से मिलन में ऐसा ही समर्पण निष्ठा विश्वास प्रवाह हृदय में आवश्यक है शिष्य के पास में केवल और केवल श्रद्धा भक्ति समर्पण इत्यादि की मूल पूंजी है और केवल इस पूंजी के सारे शिष्य अपने आत्मघट में प्रकाश पुंज गुरु को स्थापित कर अपने संपूर्ण जीवन को आलोकित कर सकता है इसीलिए शास्त्रों में कहा गया है शिष्य गुरु मिले तो भी सस्ता जान एक बार फिर आप सभी को गुरुपूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं स्वस्थ रहें प्रसन्न रहें अपना एवं अपने बच्चों का ख्याल रखें और अपने अपने गुरु का आशीर्वाद इस गुरु गुरुप्रण लेना न भूलें नमस्कार